अब आपको जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा सियासी घमासान। आज फिर राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया है। विवाद के बीच राधिका खेड़ा का ट्वीट सामने आया है। प्रियंका गांधी के दौरे पर उन्होंने ट्वीट किया है, दुशील को लेकर कका का मुंह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर, लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के ननिहाल में दीदी का स्वागत। ये ट्वीट यहां पर किया गया है राधिका खेड़ा द्वारा। विवाद के बीच राधिका खेड़ा ने एक और ट्वीट किया, दुशील को लेकर कका का मुंह। ये बड़ी जानकारी उस वक्त आपको दे रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि राधिका खेड़ा का प्रियंका गांधी के दौरे पर ट्वीट और अब सियासी घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि चुनावी प्रचार में जुटी हुई है प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ दौरे पर है। दुशील को लेकर कका का मौ, ये राधिका द्वारा ट्वीट किया गया प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर। एक लड़की की इज्जत से बढ़कर उन्होंने ट्वीट में लिखा, लेकिन लड़की लड़ सकती हूँ, कांग्रेस के घर में सियासी घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। राधिका खेड़ा का प्रियंका गांधी के दौरे पर ट्वीट और अब सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को। दुशील को लेकर कका का मुंह एक लड़की की इज्जत से पढ़कर है, लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, राधिका खेड़ा द्वारा एक्स पर यह पोस्ट किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। तो यहां पर राधिका खेड़ा द्वारा ये ट्वीट लगातार, अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी देखी जा रही है। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भी राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने दुशील को लेकर कका का मुंह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है ये पोस्ट किया है, लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। तो राधिका खेड़ा का पोस्ट ये लगातार आपको दिखा रहे हैं। गांधी के दौरे पर उन्होंने एक्स पर यह पोस्ट किया, दुशील को लेकर कका का मुंह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। याद होगा ये नारा प्रियंका गांधी द्वारा दिया गया था उत्तर प्रदेश में, और साथ ही अब इस पूरे मामले पर सियासत और ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। तो चलिए अब आपको बता दें कि राधिका खेड़ा मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साफ का बयान भी सामने आया है। साफ बोले, प्रियंका गांधी को आज जवाब देना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में ही लड़की सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को लड़ना पड़ रहा है। कांग्रेस में है दो फाड़ जैसी स्थिति। कांग्रेस ने बीजेपी से मांगा था 10 साल के कार्यकाल का जवाब। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस के बयान पर किया पलटवार, कांग्रेस पार्टी को इटालियन चश्मा मुबारक हो। 11 करोड़ परिवार वारों में मुफ्त हुआ शौचालय का निर्माण। 4 करोड़ पीएम आवास बने, देश आंतरिक और भ्रम रूप से हुआ मजबूत। कांग्रेस नेता के इटालियन चश्मे से यह नजर नहीं आता है। यहां पर कांग्रेस को घेरते हुए, तंज कसते हुए ये कहा गया, और साथ ही और इस खबर पर खास बातचीत करने के लिए केदार गुप्ता बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका केदार जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले पर? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए प्रियंका जी, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में है
और कल से ये घटना चलती है। राधिका खेड़ा जी ने बार बार ट्वीट किया है, आंसू बहाया है, रोदन किया है और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये बात को आज रखा है उन्होंने ट्विटर में। तो प्रियंका जी ने ये उत्तर प्रदेश में कहा था, आज उन्हीं की पार्टी की लड़की राधिका खेड़ा जी कांग्रेस भवन राजीव भवन में परेशान हो रही है, फिर भी प्रियंका जी वहां आके मिलती नहीं, उनकी बात को सुनती नहीं और राम के ननिहाल में ये सब हो रहा है, कौशल्या माँ की धरती में ये सब हो रहा है। खेड़ा जी ने उसका भी वहां पर उदाहरण पेश किया। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अंतर्द्वंद है, वो फाड़ में स्पष्ट रूप से बढ़ चुकी है और कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान खत्म हो चुका है। ये आपस में अच्छा खेड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजीव भवन में उनके सदस्य होते हैं और उन्हें सार्वजनिक रूप से ट्वीट करना पड़ता है, मतलब अंदर खाने में क्या चल रहा है बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। उन्होंने आज ये भी कहा है कि भूपेश काका ओकर ध्यान नहीं है ये तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सम्मान को भूल चुकी है और कहां महालक्ष्मी वंदन की बात करती है जब अपने ही राधिका जी का वंदन नहीं कर पाई। उसी तरह आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी मातृ वंदन की घोषणा की थी और 3 किस्ते मातृ वंदन की महिलाओं के पास पहुंच चुकी। ठीक है केदार जी, इस बीच हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए धनंजय ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं। धनंजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप इस जवाब में? बीजेपी का कहना है कि जो कांग्रेस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती है वो अपने ही कार्यालय की लड़कियों का सम्मान नहीं कर पाती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को असल मायने में नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी पर पर्दा करना है। जिस ट्वीट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा जी और लगातार चाहे वो भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मसला है, चाहे का मामला हो, बलात्कार का मामला हो, या जिस प्रकार से मणिपुर महिलाओं को निवास करके घुमाया गया हो, या जिस प्रकार से भी देवगौड़ा के पोते के एक खबर सामने जो आई है जिसमें 2972 महिलाओं के साथ जो दुराचार शोषण और अनेक उसके वीडियोस की बात हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो चरित्र है जो उनके स्वभाव है नेताओं का उससे उन्होंने ट्वीट के माध्यम से अब भाजपा के सब में बात करना नहीं है, इसलिए हम पर उस मामले को वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो राधिका खेड़ा जी ने खुद ही उठाया है ना, उन्होंने तो एक्स पर पोस्ट भी किया है। मैं तो कह रहा हूँ ना, राधिका जी लगातार इस देश में महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं। राधिका जी के साथ कांग्रेस का नेता के कारण राधिका है ना, दूसरी दूसरी का मतलब होता है बुरे स्वभाव और भाजपा नेताओं के बुरे स्वभाव का जिक्र उन्होंने किया। ठीक है केदार जी से इसका जवाब ले लेते हैं। केदार जी आपने सुना धनंजय जी क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए धनंजय जी का काम है, वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अपना विषय रखेंगे। राधिका जी की पीड़ा आज छत्तीसगढ़ मातारी छत्तीसगढ़ में रहने वाली हर महिला के कान तक पहुंच गई, सब ने देखा है उनका रुदन करता हुआ वीडियो और उनके साथ अगर कांग्रेस कार्यालय में ऐसी हरकतें हो रही है। केदार जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होना चाहती हैं राधिका जी, इसीलिए इस तरह के गलत आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर, कितनी सच्चाई इसमें? ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, वो सस्पेंड कर दे उन्हें। अगर वो उनको मालूम है कि राधिका खेड़ा भाजपा में शामिल हो रही है तो बोलने की बजाय आप क्या डिबेट करने की बजाय उन्हें सस्पेंड कर दे, क्यों सस्पेंड नहीं करते? अगर उनका ऐसा कहना है तो राधिका जी को सस्पेंड कर दे। और भारतीय जनता पार्टी में वो आ रही है जा रही है विषय अभी मुझे नहीं मालूम, पर अगर धनंजय पार्टी के प्रवक्ता है कांग्रेस के वो कहते हैं कि राधिका जी भाजपा में जा रही है ऐसा बोल जो एंकर कह रही है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ धनंजय जी। ठीक है धनंजय जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पहली बात तो मैंने आपसे नहीं कहा कि बीजेपी में जा रही है, आप कैसे कह रही जी गलत कोट क्यों कर रही है जी? नहीं मैंने कहीं जिक्र किया कि राधिका जी बीजेपी? आप अपनी बात एक बार फिर दोहरा दीजिए, शायद सुनने में गलती हो गई हो, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मैंने कहा कि राधिका जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बुरे स्वभाव को लेकर जनता के बीच बात रखने काम किया है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे देवगौड़ा के जो पोते का जो वीडियो आया जो 2972 महिलाओं का शोषण और असली वीडियो की बात हुई है, ठीक है मैडम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ तो बहुत धन्यवाद। हर पर फूट रहा है इसका जवाब आपको देना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया केदार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय जी देखिए चूंकि इसका खामियाजा क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है जिस तरह के सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं राधिका जी द्वारा? मैंने तो पहले कहा मैडम आपसे, राधिका जी हो कांग्रेस का हर नेता
भारतीय जनता पार्टी शासन काल में जहां महिलाओं के साथ अपमान हो रहा, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, किस चीज के एक्शन मैडम? वो तो भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना है कि उनके राज्य में महिलाएं सुरक्षित कैसे रहे, चाहे मध्य प्रदेश हो या मणिपुर हो। और राधिका जी सांसद पूरे प्रदेश और कांग्रेस सारे नेता महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जी। चार माह में जिस प्रकार से शायद सरकार में महिलाओं के उत्पीड़न का मामला बढ़ा है, दुराचार की घटनाएं छत्तीसगढ़ बढ़ी है, मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया है, देवगढ़ के पोते का जो वीडियो आया है जिसके चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी जाते हैं, तो हम तो लगातार उस विषय में बात कर रहे हैं कि महिलाएं भाजपा शासित राज्य में सुरक्षित नहीं है, चाहे वो भारत देश में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो। और राधिका जी सहित सारे नेता उस बात को उठाने का काम किए हर मंच के माध्यम से, तो हमने तो महिलाओं की बात उठाने का काम किया है और कांग्रेस से हर नेता महिलाओं की बात उठाने का काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका अपनी बात रखने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका गांधी के दौरे पर भी यहां पर राधिका द्वारा पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर, और अब इसे लेकर लगातार सियासी घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है।